हेलो एवरीवन, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया था कि कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, फिर उसकी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी होती है। बहुत ही सिंपल है, बस तुम लोगों को इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में ये याद रखना है कि कांस्टेंट क्या है और हम किस दो फैक्टर्स के अकॉर्डिंग वैरी कर रहे हैं दोनों को, है ना। तो अब हम देखेंगे बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, ये हमारा है ट्रांजिस्टर, ये यहाँ पे कॉमन क्या है, बेस कॉमन है ना। तो अभी हम लोग देखेंगे इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट सिग्नल इज़ अप्लाइड बिटवीन इमीटर एंड बेस वाइल आउटपुट इज़ टेकन फ्रॉम कलेक्टर एंड बेस। तो यहाँ पे इनपुट सिग्नल हमने कहाँ अप्लाई किया, इमीटर और बेस, ये इमीटर और बेस के बीच में हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया और हमारा जो आउटपुट है वो हमने कहाँ देखा, कलेक्टर और बेस के बीच में। ठीक है, तो और हमने कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो था हमारा उसमें क्या किया था, इनपुट सिग्नल हमने कहाँ अप्लाई किया था, बेस और इमीटर के बीच में, और हमने हमारा आउटपुट का देखा था कलेक्टर और इमीटर के बीच में। तो यहाँ पे थोड़ा बेस कॉमन है, तो इमीटर बेस के बीच में हमारा इनपुट सिग्नल है और आउटपुट कहाँ देख रहे हैं हम, कलेक्टर बेस के बीच में। ठीक है, सो एज बेस इज कॉमन टू इनपुट एंड आउटपुट सर्किट्स हेंस द नेम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो इनपुट और आउटपुट दोनों में कॉमन क्या है, बेस, इसलिए हम इस सर्किट को क्या बोलते हैं, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अब हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कॉमन बेस सर्किट की। सो यहाँ पे देखिए VEE ये बैटरी है, ये क्या करता है, फॉरवर्ड बायस सप्लाई करता है इमीटर बेस जंक्शन को। ये हमारा इमीटर बेस जंक्शन है, तो VEE बैटरी क्या करती है, फॉरवर्ड बायस करती है इमीटर बेस जंक्शन को, किससे, ये पोटेंशियल डिवाइडर R1 है उससे। और जो VCC बैटरी है वो क्या करती है, रिवर्स बायस करती है कलेक्टर बेस जंक्शन को। VEE बैटरी हमारे इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करती है, देखिए यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है या नेगेटिव, और यहाँ नेगेटिव है या पॉजिटिव, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस करती है VCC बैटरी। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखते हैं द बैटरी VEE सप्लाईज फॉरवर्ड बायस टू इमीटर बेस जंक्शन थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर अरेंज्ड एट R1, दिस पोटेंशियल डिवाइडर। सिमिलरली बैटरी VCC सप्लाईज रिवर्स बायस टू कलेक्टर बेस जंक्शन थ्रू पोटेंशियल डिवाइडर R2। समझ आया, ठीक है। अब हम देखेंगे दैट इन दिस सर्किट मिली एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इमीटर एंड कलेक्टर। ये इमीटर है और ये कलेक्टर है, तो जो हमारे हमने देखो यहाँ पे 2 mA दिख रहे हो गए आपको, तो जो 2 mA है, small m मतलब मिली, a मतलब एमीटर। ठीक है, तो जो 2 mA है वो हमने कहाँ किया, सीरीज़ में कनेक्ट किया, किसके सीरीज़ में, इमीटर और कलेक्टर के सीरीज़ में। किस लिए, क्योंकि हम लोगों को इमीटर के थ्रू IE मतलब इमीटर करंट मेजर करना है, और कलेक्टर के जो सीरीज़ में रखा हमने 1 mA, वहाँ पे IC मतलब कलेक्टर करंट मेजर करना है। समझ आ रहा है, IE मतलब इमीटर करंट मेजर करने के लिए हमने इमीटर के सीरीज़ में 1 mA रखा, और कलेक्टर के सीरीज़ में हमने IC रखा कलेक्टर करंट मेजर करने के लिए, सॉरी IC मेजर करने के लिए मिली एमीटर रखा। ठीक है, सो इन दिस सर्किट मिली एमीटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ इमीटर एंड कलेक्टर टू मेजर इमीटर करंट IE एंड कलेक्टर करंट IC, एंड वोल्ट मीटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल अक्रॉस E एंड B, इमीटर एंड बेस। वोल्ट मीटर कहाँ पे, पैरेलल में रखा, एमीटर सीरीज में रखा और वोल्ट मीटर पैरेलल में, ये बेस करंट मेजर करने के लिए इमीटर बेस करंट, और ये कलेक्टर बेस करंट मेजर करने के लिए। तो थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक्स का कंस्ट्रक्शन आपको समझ गया, तो ये आपको सर्किट डायग्राम आगे ध्यान रखनी होगी, सो दैट क्या होगा ना, जो हम इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स लेंगे, हम लोग इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जैसे VBE के बीच लेंगे एंड IB के बीच में लेंगे, और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VCE और IC के बीच में लेंगे, तो आपको थोड़ा इसकी अरेंजमेंट ध्यान रखनी होगी, है ना। तो यहाँ पे जो हमने ये सर्किट बनाया, जो तो कलेक्टर है वो क्या है, रिवर्स बायस है,
वोल्टमीटर V2 मेजर करेगा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, और VCE मेजर करेगा कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VCE, और मिली एमीटर A2 क्या मेजर करेगा कलेक्टर करंट। समझ आया? ये कलेक्टर को का वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में कनेक्ट किया, एमीटर को हमने सीरीज में कनेक्ट किया, और इस प्रकार से हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कॉमन बेस सर्किट का ये हमने बनाया है। तो देखिए अब हम देखते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हम लोगों ने बनाया कर्व बिटवीन IE एंड इमीटर बेस वोल्टेज VEB एट कॉन्स्टेंट करंट। ठीक है, तो क्या हुआ, हमने IE निकाला था इमीटर करंट, और VEB मतलब वोल्टेज, पैरेलल में वोल्टेज लगाया था, है ना। तो उन दोनों के बीच में हमने ग्राफ प्लॉट किया, और हमने कलेक्टर बेस वोल्टेज जो था उसको क्या रखा, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पे कलेक्टर बेस वोल्टेज को कांस्टेंट रखा। तो क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बोलती है द कर्व बिटवीन इमीटर करंट आई एंड इमीटर बेस वोल्टेज VEB एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। समझ आया? क्या है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ BJT कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन? वो बोलता है जो कर्व हम प्लॉट करते हैं IE मतलब इमीटर करंट बिटवीन इमीटर करंट एंड इमीटर बेस वोल्टेज एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, सो फॉर प्लॉटिंग इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्टर बेस वोल्टेज VCB, ये VCB को हमने कॉन्स्टेंट रखा, इज केप्ट फिक्स्ड हमेशा। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे अगर हम लोगों को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की प्लॉट करना है, कर्व प्लॉट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें VCB कलेक्टर बेस वोल्टेज ये हम लोग क्या करते हैं कॉन्स्टेंट रखते हैं, फिक्स्ड रखते हैं, उसकी वैल्यू वैरी नहीं करते हैं। सो द इमीटर बेस वोल्टेज VEB इज वैरीड विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल डिवाइडर R1, और VEB हम लोग कैसे वैरी करेंगे R1 के पोटेंशियल डिवाइडर से, एंड इमीटर करंट इज नोटेड एट ईच वैल्यू ऑफ VEB। समझ आया? हमने VCB कांस्टेंट रखा, कलेक्टर बेस वोल्टेज कांस्टेंट रखा, VEB वैरी करा पोटेंशियल डिवाइडर R1 से, और VEB वैरी करने के बाद जो हमारा इमीटर करंट में चेंजेस आए वो हमने नोट डाउन कर दिया, और ये नोट डाउन करने के बाद हमने ग्राफ प्लॉट किया IE वर्सेस VEB एट कांस्टेंट VCB। तो इससे हमें ये ग्राफ जो मिला है ऐसा, ये चीज़ से हम एक पॉइंट नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं द फॉलोइंग पॉइंट्स फ्रॉम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स आर नोटेड। फर्स्ट, देयर एग्जिस्ट अ कट इन ऑफसेट और थ्रेशोल्ड वोल्टेज VEB बिलो विच द इमीटर करंट इज वेरी स्मॉल। यहाँ पे एक छोटा सा कट इन ऑफसेट या फिर थ्रेशोल्ड, ये तीन नाम अलग अलग दिए हैं VEB VEB के नीचे, जहाँ पे हमारा जो इमीटर करंट है बहुत छोटा है जो दिखाई नहीं दे रहा, बट वहाँ वो एग्जिस्ट करता है। सो द इमीटर करंट IE इंक्रीजेस रैपिडली विथ स्मॉल इंक्रीज इन इमीटर बेस वोल्टेज। जैसे हमने थोड़ा सा VEB बढ़ाया, VEB जो है एक्स एक्सिस पे वो अगर हमने बढ़ाया, तो जैसे ही थोड़ा सा बढ़ाने के बाद हमारा VE जो है वो बहुत स्ट्रांगली ऊपर बढ़ते जाएगा रैपिडली विद अ स्मॉल इंक्रीज इन बेस इमीटर बेस वोल्टेज VEB। दिस शोज दैट इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल। वो क्या बताता है कि हमारा जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत छोटा है। इनपुट रेजिस्टेंस RI क्या हो जाएगा, चेंज इन डेल VEB, चेंज इन VEB अपॉन चेंज इन IE एट कॉन्स्टेंट VCB। तो वही रखा हमने, चेंज इन वोल्टेज एट इमीटर बेस वोल्टेज एंड चेंज इन इमीटर करंट एट कॉन्स्टेंट कलेक्टर बेस वोल्टेज। ये हुआ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिया, अब हम देखते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे भी हम कर्व प्लॉट करेंगे। वहाँ पे हमने क्या किया था, IE मतलब इमीटर करंट को प्लॉट किया था इमीटर बेस वोल्टेज पे एट कांस्टेंट VCB। अब यहाँ पे हम वो नहीं करेंगे, यहाँ पे हम लोग इमीटर करंट को कांस्टेंट रखेंगे और VCB और IC के बीच में हमारा प्लॉट
ग्राफ प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो द कर्व बिटवीन कलेक्टर करंट आईसी, ये आईसी दिख रहा है वाई एक्सिस पे, कलेक्टर करंट आईसी एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी एट कॉन्स्टेंट इमिटर करंट आईई रिप्रेजेंट्स आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कर्व किसके बीच में, आईसी कलेक्टर करंट और कलेक्टर बेस वोल्टेज वीसीबी एट कॉन्स्टेंट इमिटर करंट, इमिटर करंट आईई क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो ये क्या है हमारा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसमें हम लोगों को तीन अलग अलग रीजन दिखेंगे, एक्टिव रीजन, सैचुरेशन रीजन और कट ऑफ रीजन। ये हम लोगों ने, आप लोगों को याद आ रहा होगा कि इमिटर, जब हमने कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था तो उसमें ये सब चीज़ें पढ़ी थी थोड़ी थोड़ी, और क्या होता है एक्टिव रीजन में, क्या होता है हमारे कट ऑफ रीजन में, सैचुरेशन रीजन में, वो भी पढ़ाऊँगा। तो उसी का बेस लेना है हम लोगों को और आगे का देखना है, ठीक है। तो क्या हुआ, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, वो एक कर्व है जो प्लॉट किया है हमने, करंट आईसी कलेक्टर करंट वर्सेस कलेक्टर बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट इमिटर वोल्टेज, ठीक है। सो इन एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन कौन सा है, ये पूरा जितना भी है हमारा, ये हमारा क्या है एक्टिव रीजन, ये पूरा, ठीक है। सो व्हेन कलेक्टर जंक्शन इज बायस्ड इन रिवर्स बायस, जो हमारा कलेक्टर जंक्शन था, हमने देखा था ना कॉमन बेस में, ये हमारा था कलेक्टर, तो ये जो है ये हमारा, हमने बोला था रिवर्स बायस है और ये साइड फॉरवर्ड फॉरवर्ड बायस है, हम लोगों ने अभी देखा था वो सर्किट डायग्राम में। तो ये क्या बोल रहे हैं कि एक्टिव रीजन में क्या होगा, जब कलेक्टर जंक्शन जो है वो क्या रहेगा, रिवर्स बायस रहेगा और इमीटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस, हम लोगों ने वैसे ही देखा था, ठीक है। तो तब क्या होगा, द कलेक्टर करंट इज इसेंशियली इंडिपेंडेंट ऑफ कलेक्टर वोल्टेज एंड डिपेंड्स ओनली ऑन इमीटर करंट। तब क्या होता है कि हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट है कलेक्टर वोल्टेज का, और वो बस किस पे डिपेंड करेगा, इमिटर करंट पे, ठीक है। अब हम दूसरा पॉइंट देखते हैं हमारा, ऑल दो आई सी दैट इज कलेक्टर करंट जो है वो प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट है किसके, वी सी बी के, कलेक्टर बेस वोल्टेज के। हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट है कलेक्टर बेस वोल्टेज से ओवर द वर्किंग रेंज ऑफ ट्रांजिस्टर, येट इफ़ वी सी बी इज इंक्रीज बियॉन्ड सर्टन वैल्यू आई सी इवेंचुअली इंक्रीजेस रैपिडली ड्यू टू एवलेंच ब्रेक डाउन। वो बोलते हैं कि जब हम आई सी हमारा इंडिपेंडेंट है वी सी बी का, कोई अगर वो बढ़ेगा कम होगा तो उसको कोई डिपेंड नहीं करेगा, पर अगर हमने हमारी वी सी बी की वैल्यू एक वैल्यू एक सर्टन पॉइंट पर आके और बढ़ा दी तो हमारी आई सी की वैल्यू अपने आप बढ़ने लग जाएंगी, दो वो इंडिपेंडेंट है पर एक पॉइंट के आगे वो बढ़ेंगी, है ना, रैपिडली इंक्रीज होंगी। और ये क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा एवलेंच ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स का ब्रेकडाउन होने के कारण वी सी भी बढ़ाने के साथ साथ हमारा आई सी भी बढ़ेगा, ठीक है। फिर हम कट ऑफ रीजन देखते हैं, ये जो है हमने कॉमन इमिटर में भी देखा था, तो वही है, इन कट ऑफ रीजन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कलेक्टर करंट फ्लोज इवन व्हेन इमिटर करंट इज जीरो, जब हमारा आई ई इमिटर करंट भी ज़ीरो है तब भी हमारा बहुत छोटे अमाउंट में आई सी करंट फ्लो होगा, और उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग कट ऑफ रीजन बोलेंगे, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन में क्या होगा, द कलेक्टर करंट आई सी फ्लोज इवन व्हेन वी सी बी इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो, ये हमारा सैचुरेशन रीजन है। यहाँ पे जब हमारा वी सी बी भी ज़ीरो है, नियरली ज़ीरो के आसपास ही है, तब भी हमारा कलेक्टर करंट क्या होगा, फ्लो होगा, उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेशन रीजन। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने तीन रीजन पढ़े हैं, पहला एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन में क्या होगा, पहले तो कलेक्टर करंट जो कलेक्टर जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस और इमिटर जंक्शन फॉरवर्ड बायस अगर रहेगा तो वो एक्टिव रीजन रहेगा, और उसमें हमारा जो कलेक्टर करंट है वो इंडिपेंडेंट होगा और कलेक्टर वोल्टेज का, और वो बस इमिटर करंट पे डिपेंड करेगा, ठीक है। फिर दूसरा रीजन हमारा क्या है, कट ऑफ रीजन, कट ऑफ रीजन में क्या होगा कि कलेक्टर करंट जो है वो थोड़े अमाउंट में फ्लो होते रहेगा इवन इफ आई हमारा ज़ीरो है, आई ही ज़ीरो होने के बावजूद भी हमारा कलेक्टर करंट फ्लो होगा। और तीसरा रीजन क्या है हमारा, सैचुरेशन रीजन, तो सैचुरेशन रीजन में क्या होगा कि कलेक्टर करंट फ्लो होगा, हमारी जो कलेक्टर बेस वोल्टेज है वो ज़ीरो होने के बावजूद हमारा कलेक्टर करंट जो है वो फ्लो होगा, और उसको हम क्या बोलेंगे, सैचुरेशन रीजन। तो एक्टिव रीजन, कट ऑफ रीजन और सैचुरेशन रीजन ऑफ कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन।
सॉरी कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे दो कॉन्फ़िगरेशन हो गए, जैसे हमने इनपुट रेजिस्टेंस देखा था, क्या देखा था इनपुट रेजिस्टेंस, डेल वी ई बी अपॉन डेल आई ई एट कॉन्स्टेंट वी सी बी। तो ये क्या है, डेल वी सी बी अपॉन डेल आई सी एट कॉन्स्टेंट आई ई, एमिटर करंट कॉन्स्टेंट है। पूरे ये डायग्राम से ही हम लोगों को पता चल जाएगा कि हमारा आउटपुट रेजिस्टेंस और इनपुट रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ क्या होंगी। तो ये था हमारा कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बीजेटी। अब हम इसके बाद लास्ट कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, उसके बाद हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे। तो उसके पहले तुम लोगों को कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन ये अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट्स इसके पूरे क्लियर चाहिए, तब जाके तुम आगे के कॉन्फ़िगरेशंस को ईजिली ट्रैप कर सकते हो। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करते रहना। थैंक यू।